मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं, थोड़ी सी मतलब मैं नई गजलें भी पढ़ना चाहता हूं, तो अगर मैं कहीं मैं तो बुलबुल हूं मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं। अभी एक आज मेरी एक किताब की यहां रस्म इजरा हुई, माँ, एक किताब जो मैंने बहुत शेर मैंने माँ पर कहे, आप ही लोगों की तरबियत में सीखा बोलना, बहरहाल मैं शेर अर्ज कर रहा हूं। एक मतला ये अर्थ किया है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बहुत अच्छा है, वाह। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मतला और एक शेर ये अर्थ किया है कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। शेर ये अर्थ किया है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। एक मतला ये अर्थ किया है कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, क्या कहने बाबा, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मतला ये अर्थ किया है किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई, क्या किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई। आज हजरा जब मैं हैदराबाद आया तो मालूम हुआ कि यहां वो नक्सलियों की शनाख्त के लिए कुत्ते पाले जा रहे हैं। मैंने कहा था अजीब है। अच्छा, हालांकि मतलब इसमें जो हमारा जो मोहकमा पुलिस है उसकी तफ्तीश नामुकम्मल है, कुत्ते कहां नहीं होते, सिर्फ इन्हें पहचानना सीख लें। तो मैं कह रहा हूं तो एक अजीब और गरीब बात यह है कि कुत्ते बिल्लियां गरीब ये सब एक जगह रहते हैं, अमीर लोगों के घर के सामने कुत्ते उत्ते भी नहीं आते हैं। मैं शेर में अर्थ कर रहा हूं, समाप्त फरमाए, मतलब यह अर्थ किया है कि दिल को दुखने का सलीका भी नहीं आता है, दिल को दुखने का सलीका भी नहीं आता है, इस परिंदे को तड़पना भी नहीं आता है। वाह, इस परिंदे को तड़पना भी नहीं आता है, और उसकी फैयाजी का अंदाजा लगा लो इससे, उसके दरवाजे पे कुत्ता भी नहीं आता है। वाह, उसकी फैयाजी का अंदाजा लगा लो इससे, वाह, उसके दरवाजे पे कुत्ता नहीं आता है। और सोचता हूं कि तेरे हाथ भी पीले हो जाएं, क्या करूं मैं, कोई रिश्ता भी नहीं आता है। सोचता हूं कि तेरे हाथ भी पीले हो जाएं, क्या करूं मैं, कोई रिश्ता भी नहीं आता है। मतलब मैं ये अर्थ कर रहा हूं, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में, समाज फरमाए। मतलब ये अर्थ किया है कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है। वाह, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है कभी चंबल बनाती है। वाह वाह, बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, बहुत अच्छा है। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है कभी चंबल बनाती है, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। जरा क्या कहने, वाह वाह वाह, लेकिन हवा को कौन समझाए, क्या कहने, वाह वाह वाह, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है,
شعر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنا ہے, یہ ہماری بہنیں بھی تشریف فرما ہے, دیکھیں شعر کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے, دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے, سنا ہے.